नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। इंदौर भोपाल बाईपास पर रसलपुर के आगे वेयर हाउस पर दो सोसाइटियों द्वारा किसानों की उपज की खरीदी की जा रही है। किसान कड़कती धूप में भूखे और प्यासे परेशान हो रहे हैं। किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली में उपज लेकर आए हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं। शनिवार को इंदौर भोपाल बाईपास पर रसलपुर के आगे वेयर हाउस पर किसानों की उपज अभेश्वर और एलेक्सिस सोसाइटी द्वारा की जा रही थी। एक ट्रॉली की उपज तोलने को लेकर 1 घंटे से अधिक समय लग रहा था। वही किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं थी। धूप में खड़े अन्नदाता किसानों के सब्र का बांध टूट गया और किसान सड़क पर आ गए। इंदौर भोपाल बाईपास पर बीच सड़क पर कड़कती धूप में बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। ये गेहूं के टाली को लेकर चक्का जाम हुआ था, क्या कहना चाहिए? दरअसल लगभग 4 से 5 दिन लोगों किसानों को हो गए हैं और लगातार ये धूप में बाहर आप लोगों ने अभी देखा है कि कैसे तड़कते धूप के अंदर किसान बैठा हुआ परेशान है, अन्नदाता परेशान है। सब लोगों की ये शिकायत थी कि कम से कम बड़ा कांटा चालू किया जाए और पानी की व्यवस्था की जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग थी। और इस मांग को लेकर हमने अधिकारियों से बार बार जब प्रयत्न किया बात करने का, काम नहीं हो पाया। तो आज किसान मजबूरन किसान रोड पे उतरे और फिर तत्काल रूप से हमारे SDM साहब यहाँ आए और उन्होंने सारी मांगे मनवाई और बड़ा कांटा भी चालू किया और संबंधित यहाँ लोगों से पानी की व्यवस्था करने के लिए और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सर, ये भी एक बात ये भी आ रही कि चक्का जाम करके बीच में बैठ गए थे उसमें? नहीं, चक्का जाम कुछ किसान चले गए थे, उसमें हम लोग भी नहीं चाहते हैं चक्का जाम हो। बात करनी चाहिए और बात करी और बात काम हुआ। अभी क्या आश्वासन मिला SDM साहब? अभी जो भी हम लोगों का आश्वासन था, कम से कम पानी की व्यवस्था प्रशासन करे, उन्होंने पानी की व्यवस्था करी, नगर निगम से टैंकरों की व्यवस्था करी और अंदर ये पानी की बॉटल्स की व्यवस्था करेंगे और खाने की व्यवस्था, जिन किसानों के पास खाना नहीं है हम भी लगे उनके लिए खाने की व्यवस्था में और प्रशासन भी लगे। एक बात और सामने आई कि जो टोकन बट रहे थे जो नंबर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? टोकन में कुछ गड़बड़ी आ रही थी किसानों की, किसानों ने उसकी शिकायत की थी तो माननीय ने अपने अभी उनने सख्त निर्देश दिए उन लोगों को कि अगर कोई गड़बड़ पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग संतुष्ट हैं, किसान संतुष्ट हैं। ये कांटे की भी बात करिए कि एक कांटा और बढ़ाया जाए तो क्या? हाँ, कांटे इन्होंने बढ़ाए हैं और जो परिवहन का काम था इनका उसको भी रुकवाया है, इनने दूसरी एजेंसी में भी एक कांटा बढ़वाया है। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी जो मांग थी कि बड़ा कांटा चालू किया जाए और इनकी तरफ से एक जो प्रबंधक लोग हैं उनकी तरफ से एक मांग रखी गई कि हम एक ट्राली पे 1 किलो हमको अनाज ज्यादा लेना पड़ेगा, उसमें किसानों ने अपनी रजामंदी दी है और बड़ा कांटा वो चालू कर रहे हैं जिससे निश्चित तौर पर एक ट्राली 15 मिनट में तुल जाएगी। अभी जो एक ट्राली तोलने में 1 घंटे का समय लगता था वो एक ट्राली 15 मिनट में तुल जाएगी, तो लगभग शाम तक कम से कम 100 ट्रालियां आराम से तुलेगी तो काम अच्छे से चल जाएगा। आपका नाम बताइए। प्रदीप चौधरी, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री। आज किसानों ने चक्का जाम करा था और सूचना मिलते हुए आप आए, क्या पाए? थोड़ी सी टोकन का इशू था और यहाँ पे दो सोसाइटी चल रही है तो हमने यहाँ पे चूंकि क्या है कि इस बार आपको पता होगा कि जो जितना सोसाइटी से माल आ रहा है करीब 4 से 5 गुना हो गया और कोरोना के कारण ही बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं हम माल की, सोशल डिस्टेंसिंग की, तो कुछ दिक्कतें आना स्वाभाविक है। पर यहाँ पे अभी दो सोसाइटी चल रही थी, अपेशन सोसाइटी और LSS। तो LSS के करीब 280-290 के आसपास मतलब ट्रालियाँ लगी हुई हैं और दूसरी सोसाइटी से कम थी, तो हमने इसमें एक काउंटर बढ़ा दिया है अभी, तो इससे रश कम हो जाएगा और बड़ा कांटा भी हम चालू करवा रहे हैं। सर, एक बात ये भी, इसमें जो टोकन बट रहे थे उसमें भी लफड़ा दिख रहा था? कोई लफड़ा नहीं होता है, वो थोड़ा सा लोकल इश्यूज होते हैं, किसानों के भी थोड़े से वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत देर से खड़े हुए हैं, कोई आगे पीछे कर लेता है, वो कोई लफड़े फड़े वाले। किसानों को समस्या है पानी के लिए भी यहाँ पे? नहीं, हमने करा दिए, टैंकर लगवा दिए हैं और ये सबको बोल दिया कि पानी मिल जाए, किसी को खाने की दिक्कत हुई तो खाना भी करवा। तो मैं बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।